आज तारीख हो चुकी है 21 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता की तरफ से यहाँ पर सरफराज खान को लेकर बड़ी खबर है, जहाँ पर गौतम गंभीर सरफराज खान को यहाँ पर कोलकाता की टीम में आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए यहाँ पर चाहते हैं। जहाँ पर कोलकाता की टीम रिसेंटली सरफराज के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट में, सरफराज के साथ ये टीम बातचीत करी है, जहाँ पर सरफराज खान यहाँ पर आईपीएल ऑप्शन मैन सोल रहे थे, लेकिन रिसेंटली इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, काफी अधिक ये चर्चाओं में आ चुके। तो कोलकाता की टीम इनको यहां पर कोलकाता में ऐड करना चाह रही है। हाल फिलहाल में कोलकाता के पास 2 स्लॉट खाली है, इसके साथ ही अच्छा खासा पर्स भी बचा है। तो कुल मिलाकर यहां पर सरफराज खान की काफी हद तक यहां पर कोलकाता में एंट्री दिख रही है। हालांकि सरफराज से और भी टीमों ने कांटेक्ट किया था, चेन्नई ने भी कांटेक्ट किया था, राजस्थान ने भी कांटेक्ट किया था। तो कुल मिलाकर आज शाम तक या फिर कल तक ये कंफर्म्ड हो जाएगा कि सरफराज खान आखिर कौन सी टीम में जाएंगे, कौन सी टीम को ये चूज करेंगे। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम यहां पर ये बता देंगे कौन सी टीम को ये चूज कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली तो शायद ये कोलकाता में ही जा रहे, तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर हम अपडेट कर देंगे और आप कमेंट करके बताएं आप सरफराज खान को आखिर कौन सी टीम में देखना चाहोगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी कुछ खबर, ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग की तैयारियां शुरू कर दी और बल्लेबाजी की भी तैयारियां शुरू कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोस देख पाएंगे। हालांकि यह आईपीएल 2024 के एडिशन में यहां पर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, केवल बल्लेबाज के तौर पर और कप्तान के तौर पर यह खेलेंगे। पहले खबरें थी कि वार्नर कप्तानी करेंगे, पंत केवल रिजर्व प्लेयर के तौर पर है, यानी एक तरीके से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि ऋषभ पंत बाउंड्री के पास फील्डिंग करेंगे और कप्तान के तौर पर है और बल्लेबाज के तौर पर आईपीएल खेलेंगे, विकेट कीपिंग अभी भी ये नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर पंत को लेकर ये बड़ी कुछ खबर है। आप कमेंट करके बताइए आप पंत को इतने लंबे समय बाद आखिर खेलते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता की टीम ने कल एक नए एसोसिएट स्पॉन्सर की अब यहां पर अनाउंसमेंट करी है, जहां पर रॉयल ग्रीन नाम से यहां पर वाइन कंपनी अब इस टीम का नया स्पॉन्सर यहां पर बनी, एसोसिएट स्पॉन्सर है बनी इस टीम की जर्सी के पीछे। अब रॉयल ग्रीन का यहां पर लोगो रहेगा, इसके साथ ही यहां पर ग्रीन कलर की जर्सी का भी अपने आईपीएल के एक मुकाबले में ये टीम यहां पर प्रयोग करती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर कोलकाता की टीम हमने देखा है कि पर्पल कलर की जर्सी का प्रयोग करती है, लेकिन एक आईपीएल मुकाबले में ये टीम ग्रीन जर्सी का प्रयोग करेगी। जिस प्रकार से आरसीबी की टीम ग्रीन जर्सी का प्रयोग करती है, उस प्रकार से ये टीम भी ग्रीन जर्सी का प्रयोग करेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप कौन से मुकाबले में आखिर कोलकाता को ग्रीन जर्सी का प्रयोग करते हुए देखना चाहोगे, कौन सी टीम के खिलाफ आप देखना चाहोगे। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2024 के एडिशन को लेकर। दरअसल कल आईपीएल के चेयरमैन यहां पर अरुण धूमल ने आईपीएल 2024 के एडिशन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करी। इन्होंने ये कहा कि यहां पर आईपीएल 22 मार्च से मोस्ट लाइकली शुरू होगा, 22 मार्च से आईपीएल की स्टार्टिंग की प्लानिंग कर रहे। इसके साथ इन्होंने ये कहा कि यहां पर आईपीएल का शेड्यूल अब जल्दी आएगा और शेड्यूल दो फेज में आएगा, यानी यहां पर जो पहला शेड्यूल है अब रिसेंटली यहां पर एक दो दिनों में आएगा, वो यहां पर आईपीएल का जो शेड्यूल रहेगा वो शुरुआती 15 से 16 दिनों का रहेगा और बचे हुए यहां पर 1.5 महीने का शेड्यूल यहां पर कुछ दिन बाद आएगा। तो दो फेजेस में हमें आईपीएल का शेड्यूल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आईपीएल 2024 के एडिशन के शेड्यूल को लेकर। दरअसल जैसा कि अरुण दुब्बल ने कहा कि आईपीएल का शेड्यूल दो फेजेज में आएगा, यानी 22 मार्च से लेकर हमें यहां पर लगभग 5 या फिर 6 अप्रैल तक का शेड्यूल आज या फिर कल में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर आईपीएल शुरू होने के बाद यानी मार्च के महीने में हमें 22-23 मार्च के आसपास बचा हुआ आईपीएल शेड्यूल देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी। तो इलेक्शन की डेट आने के बाद इलेक्शन की डेट्स के अकॉर्डिंग यहां पर बचा हुआ शेड्यूल फाइनलाइज किया जाएगा। तो हेज ऑफ नाउ तो यही अपडेट है कि आज या फिर कल में शायद आईपीएल का शुरुआती 15-16 दिनों का शेड्यूल आ जाएगा। जब तक ये वीडियो देख रहे हो शायद हो सकता है कि तब तक शेड्यूल आ जाए, और शेड्यूल आते आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आईपीएल का शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप कमेंट करके बताइए आप आईपीएल शेड्यूल का आखिर वेट कर रहे हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आते होते गुजरात टाइटंस और कोलकाता की तरफ से। दरअसल गुजरात और कोलकाता के दो खिलाड़ियों की तरफ से यहां पर बुरी खबर है, जहां पर मुजीबुर रहमान और नूर अहमद के लिए बुरी खबर। इन दोनों को यहां पर टी20 लीग
से यहाँ पर बैन कर दिया गया। हालांकि आईपीएल में इन पर वो बैन नहीं लगा, आईपीएल इनको खेलने की परमिशन मिली, स्पेशली आईपीएल 2024 का एडिशन तो एटलीस्ट इनको खेलने की परमिशन मिली। इसके बाद शायद 2025 से ये बैन हो जाए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको यहाँ पर सभी लीगों से बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये नेशनल टीम के लिए नहीं खेलते बल्कि उस दौरान ये विदेशी लीग्स खेलते। तो आईपीएल तो भले इनको अलाउ कर दिया, लेकिन शायद इनके आईपीएल इनका ये ऑलमोस्ट आखिरी, इसके बाद अगले आईपीएल में शायद फिर से इनको अलाउ नहीं किया जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है तो यहाँ पर WPL की यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। दरअसल 23 तारीख से यहाँ पर WPL की शुरुआत हुई, WPL की 23 तारीख को शाम 5 बजे से हमें ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी। ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पर कार्तिक आर्यन इसके साथ ही यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर धमाकेदार WPL की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जो कि 23 फरवरी को होनी, और उसके बाद यहाँ पर 21 मार्च को IPL की भी धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी होगी। WPL की ओपनिंग सेरेमनी तो हम टेलीग्राम पर टेलीकास्ट करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। अब हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरफ से। दरअसल कल सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पोस्ट डालकर ये बता दिया है कि यहाँ पर ये दूसरी बार पेरेंट्स बन चुके हैं, जहाँ पर कल यहाँ पर बेबी बॉय को लेकर इन्होंने अनाउंसमेंट करी, जहाँ पर 15 फरवरी को यहाँ पर बेबी बॉय हुआ था। यहाँ पर अब कल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक यहाँ पर ये खबर फैल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर अकाई कोहली इन्होंने नाम रखा है, जो कि काफ़ी अधिक चर्चाओं में। आप कमेंट करके बताइए आपको आखिर अकाई कोहली कैसा नाम लगा है, आप 10 में से कितने नंबर हैं इस नाम को दोगे, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।